अगली खबर की, भिंड जिले की गोहद और महगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। महगांव से बीजेपी ने ओपीएस भदौरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। भदौरिया ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस ने क्षेत्र में विकास नहीं किया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। भदौरिया ने आगे ये भी कहा कि वो कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करते, अगर ये आरोप साबित होता है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी ने यह भी कहा कि उन्हें महगांव की जनता के लिए विकास करना है और क्षेत्र के युवाओं के लिए वो रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया जी। जातिगत बात करें तो जातिगत की राजनीति का प्रश्न उठता है कि एक जो है जो आप जातिगत राजनीति करते हैं, इसमें बारे में क्या कहना है आपका? कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर ये सिद्ध कर दे कि मैं जातिवाद की राजनीति करता हूँ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बल्कि मैं वो पहला व्यक्ति हूँ जिसने महगांव विधानसभा क्षेत्र में जातिवाद खत्म किया है और लगभग 62,000 वोट आना इस बात का प्रमाण है। 25,500 वोट से पिछला चुनाव जीतना इस बात का प्रमाण है कि हर जाति का, हर वर्ग का और हर समाज का स्नेह, प्यार और समर्थन पिछले चुनाव में मुझे मिला था। ये अपने आप में इससे खुद ही साबित होता है कि ओपीएस भदौरिया जातिवाद की राजनीति नहीं करता है। तो मुद्दा कौन सा मुद्दा है जो इस पर आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब आपको समय हो गया, चुनाव की डेट भी हो गई और चुनाव आने भी वाला है, तो कौन सा अहम मुद्दा जो पकड़ा जो जनता के लिए बहुत जरूरी है? महगांव का मुद्दा है इस क्षेत्र का विकास। और एक साल पूर्व, 1.5 साल पूर्व जब चुनाव हुआ था और जो वादे हम पूरे जनता से करके आए थे और कांग्रेस की सरकार में जब हम वादे वो पूरे नहीं कर पाए, पिछले 3.5 महीने में जनता से किए गए वो वादे हमने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे किए हैं, तो जनता ने इस बात पर विश्वास व्यक्त किया है कि निश्चित रूप से ये जो वादे करके गए हैं वो पूरे करने वाले हैं और भविष्य में इस क्षेत्र के विकास की ये चिंता करेंगे। ये थे हमारे साथ ओपीएस भदौरिया, जिनका कहना था कि विकास विकास विकास, महगांव की जनता के लिए विकास चाहिए और विकास मैं करूंगा। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज़।